बहुत से लोग हाथ हवा में लहराते हैं ऐसे मनुष्यों की तरफ, पब्लिक की तरफ, और पब्लिक गिर पड़ती है, या अपने कोट या अपना कोई भी चीज ऐसे लहराते हैं तो वो मनुष्य गिर पड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, आज तक पूरी बाइबल में मैंने अच्छे से खंगाल डाला। बहुत प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं शैतानी शक्तियों और दुष्टात्माओं की शक्तियों के बारे में। आज जो मेरा टॉपिक है, आज जो हम बात करेंगे उन लोगों के विषय में जो दुष्ट आत्माओं से बात करते हैं और उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुष्ट आत्माओं से बात करना और उनके साथ खिलवाड़ करना, ये जो चीजें हैं ये बहुत से लोग जो हैं ये करते हैं। खासतौर से ईसाई समाज के अंदर अगर आपको देखेंगे तो ईसाई समाज के अंदर ये बात बहुत ज्यादा मिल जाएगी कि वो दुष्ट आत्माओं से बात करते हैं और दुष्ट आत्माओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसे खिलवाड़ करते हैं ये आपको इस वीडियो में बने रहिए और सुनते रहिए कि किस तरीके से ये काम होता है ईसाई समाज के अंदर। मैं सबसे पहले मत्ती की इंजील और 7 अध्याय उसका 21-23 पद पढ़ना चाहूंगा। जी हाँ, इसको पढ़ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कह रहा है और किन के बारे में कह रहा है ये सुनिएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22 पद ध्यान दीजिएगा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। अब 23 पद जरा सुनिएगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। अब जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग आपने देखा होगा ना आपके परिवार में आपके घर में आ जाते हैं, हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड, और सिस्टर कैसे हैं और ब्रदर कैसे हैं, हालेलुया, मतलब हर समय प्रभु का नाम लेते रहेंगे, वो दिखाते रहेंगे। जहां वो पब्लिक में आए नहीं कि बस उनका उनकी जुबान पे बस प्रभु का नाम शुरू हो जाता है। मगर प्रभु क्या कह रहा है कि जो हर समय जो प्रभु हे प्रभु कहता रहता है वो परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, बिल्कुल साफ यीशु मसीह कह रहा है, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि लोग उसके वचन को माने, उसके वचन को पूरा करें, उसकी जो आज्ञा है उसके जो नियम है सब नियमों को और सब आज्ञाओं को माने। आज ये परमेश्वर के वचन को या उसकी आज्ञाओं को या उसके नियमों को मानना कौन सिखा रहा है? बस वो ये सिखा रहे, देखो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है, देखो परमेश्वर हम परमेश्वर ने हमें सामर्थ दे रखी है और किस तरीके से कार्य करते हैं। अभी आगे देखिएगा किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो है ये बात गलत है। और 22 पद में जब आपने पढ़ा ना उस दिन का जो यहां अर्थ है वो अर्थ है न्याय के दिन, जब इस दुनिया का अंत होगा और इस दुनिया के अंत में प्रभु सब मनुष्यों का न्याय करेगा। उस दिन वो कह रहा है कि उस दिन जो है मैं न्याय करूंगा, न्याय वाले दिन उनसे कहूंगा। अब यह उस दिन न्याय करने वाले, जब प्रभु जो है इन लोगों को कहेगा इनको आग की झील में फेंक दो, ले जाओ इनको मेरी नजरों से दूर कर दो। किसको? अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है कि उनको जो प्रभु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, जो प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, जो प्रभु के नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, उस दिन यानी उस न्याय के दिन क्या कहेगा प्रभु? कहेगा इनको, इन सब को ले जाकर क्या करो, आग की झील में डाल दो। तब ये कहेंगे अरे प्रभु तू हमें आग की झील में डाल रहा है, हमें डाल रहा है, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी है, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, शैतानी शक्तियों को निकाला है, जो लोगों को शैतानी शक्तियां जकड़ी हुई थी उनको तेरे नाम से निकाला है और बहुत से आश्चर्य कर्म करे। वहां प्रभु क्या कह रहा है? 23वां पद। अब 23वें पद में जो है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो इनसे क्या कह देगा? यहां लिखा हुआ है मैं उनसे खुलकर मतलब है कि साफ शब्दों में कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी जाना नहीं, मैं तुम्हें जानते ही नहीं। और क्या ये किनसे कह रहा है? जिन्होंने उसके नाम से भविष्यवाणी करी, जिन्होंने उनके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिन्होंने उनके नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म करे, उनसे कह देगा कि मैंने तो तुम्हें कभी जाने नहीं है, हे कुकर्म करने वालों। अब ये देखिए ये जो शब्द आया हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से क्या हो,
चले जाओ। आप जो है कुकर्म करना यानी पाप करना, बुरा काम करने वाले। अब देखिए आप भविष्यवाणी कर रहे हैं उसके नाम से, बुरा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं, किस तरीके की कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने किस तरीके से, ये अभी आपको बताया जाएगा कैसे निकालना है, किस तरीके से करना है। मगर परमेश्वर का वचन जो है वो कह रहा है, जब आप किंग जेम्स वर्जन की इंग्लिश बाइबल का अनुवाद पढ़ेंगे ना, ये मत्ती 7:23 का, तो वहां क्या लिखा है, और मैंने अनुवाद कर रहा है, मैं वो भी बताऊंगा। और तब मैं उनको बताऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, मेरे पास से चले जाओ तुम जो अधर्म का आचरण करते हो। भैया इन लोगों ने कैसे अधर्म का आचरण कर लिया, इसका मतलब क्या? देखिए बहुत समझने वाली बात है, इन लोगों के बारे में यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं से बातें करते हैं। आप जब मरकुस 1:34 पढ़ेंगे तो 1:34 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकालता था तो उन्हें बोलने नहीं देता था, ध्यान दीजिएगा, बोलने नहीं देता था। और चेले भी यही करते थे, जब दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो उन्हें बोलने नहीं देते थे, बस वो क्या करते थे, वो यीशु मसीह क्या था, उन्हें डांटता था, निकलो यहां से, निकल जाओ इसके शरीर से। और चेले क्या करते थे, चेले सिर्फ इतना करते थे, वो डांटते थे, तुम्हें आज्ञा देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाओ, और बस इतना कहते थे और वो निकल जाते। यीशु मसीह ने सिर्फ एक जगह बात करी है दुष्ट आत्मा से, और उसका रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं ये बात नहीं बताऊंगा तो बहुत से लोग आपसे कहेंगे अरे साहब ये पादरी तो बिल्कुल गलत प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह ने कैसे बात नहीं करी दुष्ट आत्माओं से। भाई यीशु मसीह ने बात करी, पूरे जीवन लाइफ में प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बात करी, उसका रीजन है क्या है, जब आप लूका 8:26-33 पद पढ़ेंगे तो वहां पर जो है वो एक व्यक्ति है, जब वो एक गांव में गया और उस गांव में जो है जब वो जा रहा था तो एक व्यक्ति मिला उसे जो कब्रों के बीच में रहता था, और उसको जंजीरों से बांध के भी लोग रखते थे, वो जंजीरें भी तोड़ देता था क्योंकि उसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी। और जब बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह का सामना उनसे हुआ तो वो यीशु मसीह को देखकर, वो जो दुष्ट आत्मा थी उनके अंदर, तो वो कहने लगी हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र तुझे हमसे क्या काम। देखिए वो क्या कहने लगी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। ये बात जो है, यीशु मसीह जब कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो यहूदी फरीसी फक्के फरीसी जो भी थे और इजरायली जो थे वो उसको मानते ही नहीं थे कि ये कैसे अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता। मगर जो उसके अंदर आदमी के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने कहा हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र तुझे कहता। भी यीशु मसीह सिर्फ उनसे एक बात कहता है, और सिर्फ एक बात कि तुम्हारा क्या नाम है, बस इतना पूछता है तेरा क्या नाम है। और दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दिया कि हम सेना है। क्यों यीशु मसीह ने पूछा? यीशु मसीह अपने चेलों को यह दिखाना चाहता था कि ये जो बात कह रहा है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, जो लोग मुझे नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये बात जो है वो कौन कह रहा है, वो शैतान कह रहा है। और शैतान जो है यीशु मसीह के बारे में अच्छे से जानता है कि वो कौन है। ये दुष्ट आत्मा, वो मनुष्य नहीं है। भाई एक बात है, जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता बिल्कुल, और उसने नाम भी प्रभु यीशु मसीह का नहीं सुना, उस समय तो किसी ने नहीं सुना था, चलो आज तो बहुतों ने सुना है और दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का नाम है, उस समय तो किसी ने नहीं सुना था, और खास तौर से वो व्यक्ति जिन्हें कितने वर्षों से था उसने तो सुना ही नहीं, तो वो कैसे कह रहा है कि परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र जो है वो कह रहा है। तो वो यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि ये जो बात कह रहा है ये शैतान है, और शैतान मेरे बारे में हर बात अच्छे से जानता है। पिछले से जो वीडियो बनाया था हमने, उस वीडियो के अंदर ये बताया था जो शैतान गिराया गया था, वहां पर हमने एक बात कही थी जब एजेकेल 28 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे कि उससे कोई भी भेद की बात नहीं छुपी थी, वो परमेश्वर के सारे भेदों की जानकारी रखता था और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी उसको पता था। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने ये कहने के लिए तेरा क्या नाम है बस इतना पूछा। मगर आज के सेवकों की तो बात ही अलग है भैया। आज के सेवक अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति आ जाए, कौन है तू, नाम क्या है, क्या नाम है तेरा, कहां से आई है तू, हैं कितने वर्षों से, अरे भैया
और आधे घंटा हो जाता है, एक घंटा हो जाता है लोगों को दिखाने के लिए, देखो ये दुष्ट आत्मा है, देखो मैं इसको इसके बारे में बता रहा हूं। भैया उसका इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? क्या तुम उस दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाल के नौकरी पे रखोगे या अपने परिवार में किसी की शादी ब्याह लोगे जो उसका पूरा बायोडाटा ले रहे हो? किस लिए उससे बातें कर रहे हो? जब प्रभु यीशु मसीह कहता है और उसने दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं दिया तो आप कैसे बोलने दे रहे हैं? इसका मतलब आप इसलिए बोलने दे रहे हैं क्योंकि देखिए आप किससे बातचीत करेंगे? आप उसी से तो बातचीत करना पसंद करेंगे जो आपका दोस्त हो, जो आपका साथी हो, जो आपके संग रहता हो, जो आपके संग संग चलने वाला हो, जो आपकी बात को समझने वाला हो। तो ये जितने भी पास्टर्स हैं जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, ये उनके दोस्त हैं, ये उनके साथी हैं और उनके संग संग रहती है वो दुष्ट आत्मा है। इसलिए अब वो निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, फिर दूसरा भी आ जाता है। हाँ भाई आ, अब वो दिखा रहे, देखो उसकी दुष्ट आत्मा निकाल दी, अब इसकी निकाली, अब उसकी, अरे इस पादरी के पास बहुत है, इसकी निकाल के उसमें डाल दी, उसकी निकाल के उसमें डाल दी, उसकी उसके निकाल के, क्योंकि भाई दोस्त है उसकी दुष्ट आत्मा, तो वो शैतानी शक्तियां उसकी दोस्त है। सीधी सी बात है, परमेश्वर के वचन ये कहता है, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा दो, निकल जा, तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल। क्यों नहीं निकलेगी? बस बात खत्म हो गई, हमें कोई उसका इंटरव्यू नहीं लेना है। कड़वी तो लगेगी इन पादरियों को, बहुत कड़वी लगेगी ये जो निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसलिए मैंने सबसे पहले मत्ती 7:21-22-23 पद क्यों पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है ऐसे लोगों से, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह थोड़ी है, वह है, मगर निकाल तुम यीशु मसीह के नाम से रहो। क्यों? लोगों को उल्लू भी तो बनाना है कि देखो हम यीशु मसीह के नाम से निकाले, मगर कार्य किसके सिद्ध हो रहे हैं? अब वहां पर न्याय के दिन तुम यही कहोगे यीशु मसीह तेरे नाम से निकाला, उसके ना उसका नाम यूज करा है सिर्फ तुमने, मगर काम तुमने शैतानी शक्तियों के द्वारा किया है, जो शैतान तुम्हारा दोस्त है। और उसके अंदर क्या कहते हैं, यूहन्ना 8:44 में लिखा है ना कि तुम अपने पिता शैतान से हो। जी हाँ, जो शैतान से है तो उसी की तरह जो है वो कार्य करते हैं। फिर आपने देखा होगा, बहुत से वीडियो देखे होंगे, और कि बहुत से लोग हाथ हवा में लहराते हैं ऐसे मनुष्यों की तरफ, पब्लिक की तरफ, और पब्लिक गिर पड़ती है, या अपने कोट या अपना कोई भी चीज ऐसे लहराते हैं तो वो मनुष्य गिर पड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, आज तक पूरी बाइबल में मैंने अच्छे से खंगाल डाला, बहुत अच्छे से पढ़ा, कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना अंगोछा या अपना कपड़ा, या चेलों ने अपने अंगोछे या कपड़े, या पौलुस ने अपने अंगोछे कपड़े हवा में लहराकर मनुष्यों के सामने ऐसे नहीं लहराया कि मनुष्य गिर पड़े। मतलब ये सब करने से क्या फायदा? मतलब क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं? क्या क्या शो करना चाह रहे हैं कि हमारे पास देखो कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य? प्रभु ने ऐसे काम नहीं करे हैं। हां ये जरूर है कि प्रभु के जो चेले थे, पौलुस जो था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा थी, उनके शरीर से कपड़े यानी रुमाल और अंगोछे छुआकर, ध्यान करना, जब मरीजों के ऊपर डाल देते थे तो वो मरीज क्या थे? वो ठीक हो जाते थे। उनकी बीमारियां जो थी वो क्या हो जाती थी? वो ठीक हो जाती थी, वो चंगे हो जाते थे उस बीमारी से। मगर यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सब हवा में लहराया जा रहा है। ये सब क्या चीज है? ये सब शैतानी शक्तियां हैं। प्रभु की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये ईसाई समाज के अंदर इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, और पब्लिक जो है बस आंख बंद करे पीछे भागी चली जा रही है, पीछे भागी चली जा रही है, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये काम जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की शक्तियों की ओर से है। और प्रभु ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि ये आश्चर्य कर्म करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये झूठी भविष्यवाणी करते हैं, ये जो है दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले नहीं बल्कि लोगों के अंदर दुष्ट आत्माओं को डालने वाले लोग हैं, ये उनके पीछे भाग रहे हैं और इन्होंने बहुतों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की जो सच्चाइयां हैं उनसे दूर ले गई है। ना तो ये परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, ना उसकी आज्ञाओं को मानना सिखाते हैं, ना उसके नियमों को सिखाते, और उनसे दूर ले जाकर खड़ा करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कितनी मतलब भयंकर बात है कि इस तरीके का कार्य जो है वो किया जा रहा है, और नाम किसका दिया जा रहा है? प्रभु। एक वीडियो क्लिप और देखिएगा, बड़े मजे की बात है। मगर इससे पहले कि मैं उस वीडियो क्लिप के बारे में बताऊं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, सिर्फ कह देने से
सारी बीमारी ठीक हो जाती है सिर्फ इतना कहने से। मैं आपको उदाहरण दूंगा, बाइबल में से उदाहरण, वैसे तो बहुत उदाहरण है मगर एक उदाहरण दूंगा, आप लिख लीजिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 1 से 8 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है कि पतरस और यूहन्ना जो है वो मंदिर में जा रहे हैं, मगर मंदिर के द्वार पर जो है, बाहर जो है, एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है। एक जन्म का लंगड़ा बैठा है, वो उसे जो थे टकटकी बांधकर देखने लगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको रेफरेंस दिया है प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 8 पद तक, पढ़ लीजिएगा बहुत आराम से। और वहां पतरस क्या कहता है, हमारे पास ना चांदी है और ना सोना है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, अर्थात यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। फिर वो व्यक्ति जो था, जन्म का जो लंगड़ा था, बस इतना उन्होंने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और वो तुरंत उठा और चलने फिरने लगा। और यहां तो साहब मार गाना, नाचना, कूदना, हालेलुया, प्रे द लॉर्ड, ओ देखो यीशु जिंदा कर रहा है, यीशु चंगा कर रहा है, देखो यीशु खड़ा करा, खड़ा करो उसे, 4 लोग लेकर खड़ा करे। भाई वो 4 लोग क्यों खड़ा करेंगे उसे, उसे क्यों उठा रहे हो? वो अपने आप इमीडिएटली उठेगा और चलने फिरने लगेगा, दौड़ने लगेगा, जैसे पतरस और यूहन्ना ने करा। बस इतना कहने से आप घंटों प्रार्थना कर रहे हो, घंटों ढपली बजा रहे हो, घंटों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ये सब क्या है? क्योंकि आप अपने शैतान को याद कर रहे हो। यीशु मसीह का नाम तो ले रहे हो प्रत्यक्ष रूप में लोगों को दिखाने के लिए, मगर अंदरूनी खाने क्या है? क्यों नहीं वो एकदम से खड़ा हो रहा है? क्यों नहीं वो आप अंधा देख रहा है? अब कि साहब उसका कैंसर सही हो गया तो उसका ये सही, अंधा क्यों नहीं? क्या अंधे नहीं है हमारे देश के अंदर? बहुत से अंधे हैं। सब ये नौटंकी है। और एक चीज और जो मैं अभी आपको बताने वाला था, एक वीडियो और देखिएगा क्या होता है। साहब प्रोफेट साहब कहते हैं, देखो ये प्रोफेट की कुर्सी है, कोई भी एक ऑर्डिनरी कुर्सी ले जाएंगे, प्रोफेट उस पर बैठ जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे, उस कुर्सी पर वो किसी मनुष्य को बैठाएंगे कि तू बैठ के देख। अब वो बैठता है वो गिर पड़ता है, वो जैसे ही बैठता वो गिर पड़ता है, वो कलाबाजियां खाने लगता है। अरे भैया आखिर ये सब क्या, बाइबल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि साहब प्रॉफिट की कुर्सी। भाई पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट वगैरह की कोई कुर्सी नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पे बैठा उस जगह पे जने कितने लोग बैठे वो तो नहीं गिरे क्या? प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा पवित्र है? नहीं साहब, देखो ये प्रॉफिट, आप लोगों को क्यों उल्लू बना रहे हो, क्यों बेकूफ बना रहे हो? ये सब शैतान की शक्तियां हैं। कहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ले तू मेरी कुर्सी पे बैठ, बैठ के दिखा मेरी कुर्सी पर है? प्रभु यीशु मसीह तो कहता है कि जो जय पाएगा मैं उसको अपने साथ अपने पिता के सिंहासन पर बैठाऊंगा। अरे भाई वो पिता के सिंहासन पर बैठाने की बात कर रहा है। यहां प्रॉफिट जो है वो पिता से भी बढ़कर हो गया साहब, वो इतना पवित्र हो गया है, वो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बढ़कर हो गया, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हो गया, पवित्र आत्मा से बढ़कर हो गया है कि अगर आप उनकी कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो आप नहीं गिरेंगे, परंतु प्रॉफिट की कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो आप लुढ़कते फिरेंगे। ये ढोंग नहीं है तो क्या है? ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? ऐसी नौटंकियों में लिप्त होने वाले लोग, ऐसी नौटंकी और ढोंग करने वाले लोगों पर विश्वास करने वाले लोग, और ऐसे लोगों को पवित्र और प्रभु का मानने वाले लोग जो होते हैं उनके घरों में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं क्रिटिसाइज के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए इन बातों को कह रहा हूं। यदि आप दुष्ट आत्माओं से, शैतानी शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे ढोंगियों से बचिए, क्योंकि जब तक आप ऐसे ढोंगियों से नहीं बचेंगे शैतान की शक्तियां आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करती रहेंगी और आपका जीवन बर्बाद होता रहेगा। आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए इनके चुंगल से निकलिए और अपना जीवन प्रभु के अधीन कीजिए। देखिए एक बात लिखिए सभी के लिए, मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। कल मैंने एक भाई को भी दिया जो प्रॉब्लम में था कि हम कैसे शैतान की शक्तियां हमारे पास से जाएंगी, और भी हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, परंतु लास्ट में मैं एक रेफरेंस आपको देना चाहूंगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां पद, वहां लिखा हुआ है, तब परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? कि अपने गुनाहों से तौबा करो, अब पश्चाताप करो और परमेश्वर से ये वादा करो कि परमेश्वर हम तेरे वचन को, तेरे नियमों को, तेरी आज्ञाओं को
अब से मानते रहेंगे और कभी कोई गलत काम में नहीं होंगे और गलत शिक्षाओं में नहीं जाएंगे और ऐसे ढोंगियों से हमेशा दूर रहेंगे और उसके अधीन बने रहिए। देखिए शैतान आपके परिवार से और आपके जीवन से भाग जाए, फिर देखिए कोई भी शैतानी शक्ति आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके जीवन पर आपके परिवार पर अपरम आशीष की वर्षा होती रहेगी। बस उसके नियमों को फॉलो करते रहिए, उसकी आज्ञाओं को मानते रहिए, उसके वचन को फॉलो करते रहिए और प्रभु के अधीन रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दें।